प्रयागराज के बहादुरगंज में लगी भीषण आग, धुएं के गुबार और भीषण लपटों से मचा हड़कंप, एक की मौत। प्रयागराज के बहादुरगंज स्थित एक मकान में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। बीच बाजार में लगी आग से लोगों में खलबली मच गई। आग से घर में मौजूद भवन स्वामी झुलस गया, जबकि अन्य को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दमकल कर्मियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग से झुलसे गृह स्वामी विनोद कुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आग किन कारणों से लगी है यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से घटना होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि बहादुरगंज में रहने वाले विनोद कुमार केसरवानी दोना पत्तल के थोक विक्रेता हैं। घर में ही उन्होंने गोदाम भी बना रखा था। शनिवार की सुबह अचानक मकान के 3री मंजिल से आग की लपटें उठने लगी। घर में मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते, आग ने 2री मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे सभी घर के भीतर ही फंस गए। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम बचाव कार्य में लग गई। आज दिनांक 11/11/23 को बहादुरगंज एरिया में आग लगने की सूचना मिली थी, जो कि मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र में पड़ता है। इस सूचना पे तुरंत वहाँ पे जो फायर व पुलिस की टीम पहुँची और मौके पे ही वहाँ पे अग्नि समन के द्वारा आग पे काबू पाया गया और पुलिस व फायर की टीम के द्वारा 3 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया और उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया। और इसमें से एक व्यक्ति जिनका नाम विनोद केसरवानी है, उनकी कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई है और इसमें जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है।